दोस्तों आपने इतनी बार कमेंट किया मोटरोला का मोटो ई फोर्टी की अनबॉक्सिंग कीजिए ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों माफी चाहता हूँ लेट होने के लिए लेकिन चलिए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और मुझे स्मार्टफोन कैसा लगा मोटरोला का मोटो ई फोर्टी बाकी इसका जो प्राइस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा नॉर्मली ज़्यादातर लोगों का यही बजट होता है चलिए देखते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं बॉक्स आपको इसका कुछ इस तरीके से मिलता है पीछे की तरफ ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं बाकी दोस्तों इसके ऊपर आपको रेट लिखा हुआ मिलता है ग्यारह हज़ार का एलेवन थाउजेंड की इस पर एम है लेकिन ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन सिर्फ टेन थाउजेंड में दस हज़ार है इसका प्राइस जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले मोबाइल मिलता है जिस पर कवर पहले से ही लगा हुआ है ये चीज़ काफ़ी अच्छी है बॉक्स छोटा है इस वजह से अलग से आपको मिनी बॉक्स नहीं दिया गया कवर के लिए यूज़र मैनुअल और एक सीमिजेक्टर टूल है इसके साथ बाकी दोस्तों इसके बाद आपको मिल जाती है ये ब्लैक कलर में डेटा केबल डेटा केबल की जो आपको क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी प्रीमियम है ये एक टाइप सी केबल है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की क्वालिटी वाकई में इसकी बहुत अच्छी है लास्ट में ये आपको ब्लैक कलर में चार्जर दिया गया है जो कि दस वॉट का है दोस्तों ये चीज़ मुझे थोड़ी सी नॉर्मल लगी इस चीज़ को लेकर देखिए चार्जर अगर अट्ठारह वोट का होता कम से कम फास्ट होता तो बहुत अच्छा रहता तो इसके साथ आपको चार्जर फास्ट नहीं दिया गया सिंपल दस वोट का ही मिलता है वैसे बिल्ड क्वालिटी जो है चार्जर की वो काफ़ी सही है बिल्ड क्वालिटी आपको डेटा केबल चार्जर की दोनों की अच्छी मिल जाती है टाइप सी केबल है कवर है बॉक्स के अंदर काफ़ी चीज़ अच्छी हैं दोस्तों बस चार्जर भी फास्ट होता तो और बिल्कुल परफेक्ट हो जाता ये मोबाइल चलिए बात कर लेते हैं अब दोस्तों मोबाइल के डिज़ाइन के बारे में इसके अंदर आपको डिज़ाइन दोस्तों कुछ इस तरीके से मिलता है ऊपर से नीचे की तरफ इस शेप में लाइनिंग्स दी गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं और दोस्तों इसके अंदर आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन दिया गया है तो इसक्रैच जो है इसके बैक पैनल पे वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं इनफैक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा कम आएंगे दोस्तों ऐसा नहीं है कई बार आपने देखा होगा डिज़ाइन को लेकर मोबाइल को जैसे ही हम पकड़ते हैं फिंगरप्रिंट्स भी आसानी से आ जाते हैं और दोस्तों स्क्रैचेस भी आ सकते हैं इसके अलावा दोस्तों साइडों से जिसका डिज़ाइन है वो प्लेन है बीच में दी गई हैं लाइनिंग्स आपको कैमरे का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है तीन कैमरे दिए गए हैं इनको हम अभी देखेंगे बाकी दोस्तों कैमरे का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसमें कंप्लीट डिज़ाइन आप देख सकते हैं आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा मुझे तो दोस्तों काफ़ी इंप्रेसिव लगा इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है क्वालिटी अच्छी होने की वजह से बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो इसके अंदर आपको साढ़े छः इंच की डिस्प्ले दी गई है ऑन कर लेते हैं इसको देखते हैं यूज़ करने में कैसा लगता है स्मार्टफोन एक्सपीरियंस कैसा रहता है इसके साथ साढ़े छः इंच की डिस्प्ले दी गई है इसके अंदर आपको आई पी एस एच डी प्लस ये दूसरी चीज़ ऐसी है जो मुझे इसके अंदर एवरेज लगी अगर फुल एच डी प्लस डिस्प्ले होती तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता एच डी प्लस ही दी गई है दोस्तों आपको इसके अंदर बाकी क्वालिटी फिर भी देख लेते हैं आपको कैसे मिल जाती है अगर फुल एच डी प्लस डिस्प्ले होती तो और ज़्यादा बढ़िया ही होता चलिए दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी इसकी चेक कर लेते हैं बाकी मैंने इसको सेटअप कर दिया तो दोस्तों यूज़ एंडफ्रेस तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया गया है बहुत ही ज़्यादा क्लीन यू है जैसे ही आप इसको अनलॉक करते हैं ऐसे स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्स मिल जाती हैं ऐसा नहीं है बहुत सारी एप्लीकेशन भरी हुई हों फालतू की वो चीज़ इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती ज़बरदस्ती का जो है दोस्तों कई बार ऐसा होता है खचड़ पचड़ होती है बहुत ही ऐप्स होती हैं फालतू की वो चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगी दोस्तों मुझे इस चीज़ को लेकर ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा यूज़ एंड्रफेस इसके अंदर आपको काफ़ी क्लीन मिलता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करने में ये स्मार्टफोन अब दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी देखते हैं कलर्स ब्राइटनेस बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है दस हज़ार में इसके अंदर आपको नॉच वाला डिज़ाइन नहीं दिया गया पंचोल कैमरे वाला डिज़ाइन मिलता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में एच डीज बेजल्स भी काफ़ी कम है और दोस्तों डिस्प्ले की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्प्ले के कलर्स और ब्राइटनेस हालांकि एच डी प्लस डिस्प्ले है आई पी एस है लेकिन दोस्तों फिर भी आपको कलर्स जो है डिस्प्ले के वो बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं इस चीज़ को लेकर मेरे ओपिनियन में दोस्तों मेरी राय में आपको शिकायत नहीं होगी इसकी डिस्प्ले से डिस्प्ले की क्वालिटी काफी सही है इस एंगल से भी आप देख सकते हैं कलर्स आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं दूसरे एंगल से भी इस मोबाइल का मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ ये जो दोस्तों लाइनिंग्स हैं इसके बैक पैनल पे ये थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई हैं ऐसे नहीं है ये प्लेन डिजाइन है लाइनिंग्स आपको थोड़ी सी बाहर निकली हुई मिलती हैं तो आपको फील होती हैं जब आप इसको पकड़ते हैं दोस्तों तो इन हैंड फील इसकी काफ़ी बढ़िया लगती है ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी लगती है इसकी इसके अलावा दोस्तों लेफ्ट साइड से सिम की ट्रे दी गई है इस तरफ सिम की ट्रे ऐसी मिल जाती है चेक कर लेते हैं जिसके अंदर आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों चीज़ें एक साथ लगा सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छी है सबसे पहले लगेगा मेमोरी कार्ड इसके बाद दूसरा सिम और फिर पहला सिम ये खूबी काफ़ी बढ़िया है प्रॉब्लम आपको नहीं होगी नीचे की तरफ आपको माइक टाइप सी पोर्ट और स्पीकर दिया गया है टाइप सी पोर्ट है ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है राइट साइड से आप देखेंगे तो आपको तीन बटन्स दिए गए हैं वैसे चार हैं सबसे नीचे तो पावर का बटन है बटन्स की क्वालिटी भी आपको बहुत बढ़िया दी गई है फिर बीच में वॉल्यूम के बटन्स हैं और दोस्तों सबसे ऊपर आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट का शॉर्टकट तो यहाँ से आप अपना गूगल असिस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं ये चीज़ भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छी दी गई है एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है शॉर्टकट के लिए ऊपर से देखेंगे तो हेडफोन जैक है तो ये चीज़ भी इसके अंदर आपको मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया है फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पर है दोस्तों स्पीड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है कि जैसे मैं टच करूँ ये फ़ौर अनलॉक हो जाए इतना टाइम लेता है दोस्तों तो ये इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है बाकी बहुत ही ज़्यादा स्लो भी नहीं है ठीक है आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें इसके अलावा दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन दिया गया है वो मुझे काफ़ी बेटर लगा जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ फ़ौर अनलॉक हो जाता है मोबाइल तो ये चीज़ काफ़ी सही है इसके अलावा दोस्तों इसकी सेटिंग्स में चलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी डिस्प्ले के अंदर आपको एक और ख़ूबी दी गई है जो कि है इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट इसके अंदर आपको डिस्प्ले में नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट दिया गया है तो दोस्तों यूज़ करने में मुझे जो एक्सपीरियंस लग रहा है इसका वो बहुत ही ज़्यादा स्मूद है इस बजट के अंदर आपको ये खूब इसके अंदर आपको दी गई है जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इसके अंदर आपको स्मूदनेस बहुत अच्छी मिलती है यूज़ करने में बाकी बाय डिफ़ॉल्ट एक ही वॉलपेपर दिया गया है एंड्रॉयड के एलेवन वर्जन के साथ ही आता है इसके अलावा दोस्तों दस हज़ार में इसके अंदर आपको दी गई है चार जी बी रैम चौसठ जी बी के इंटरनल स्टोरेज फोर जी बी सिक्सटी फोर जी बी और दोस्तों सिक्सटी फोर जी बी में से आपको फ्री मिलती है तकरीबन फिफ्टी थ्री जी बी के आसपास टेन जी बी दस जी बी जो है दोस्तों पहले से ही यूज है तो वैसे देखा जाए तो स्टोरेज आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्री मिल जाती है ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में तो इस बजट में आपको तकरीबन फोटी एट अड़तालीस जी बी के आसपास ही फ्री मिलती है चलिए दोस्तों इसकी थोड़ी सी स्पीड भी टेस्ट कर लेते हैं रीस्टार्ट करके देखते हैं कितना ज़्यादा टाइम लगता है इसमें वैसे इसके अंदर आपको यूनिसॉक का टाइगर टी सेवन हंड्रेड प्रोसेसर मिलता है परफॉर्मेंस तो इसके अंदर आपको वैसे काफी बढ़िया मिल जाएगी जैसा इसके अंदर आपको प्रोसेसर दिया गया है बाकी दोस्तों चेक कर लेते हैं स्पीड का फर्क तो वैसे सबसे ज्यादा जब पता चलेगा जब हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ तो आप नीचे कमेंट कर दिएगा आपको इसका कंपेरिजन किस स्मार्टफोन के साथ देखना है अपनी पसंद के इस बजट के आसपास जो आपको दस हजार के बजट में मिलते हैं तो दोस्तों इसके अंदर आपको प्रोसेसर काफी बढ़िया दिया गया है बाकी री होने में ये कुछ इतना टाइम लेता है जो कि बिल्कुल रियल टाइम है मैंने वीडियो कहीं से कट नहीं करी बिल्कुल रॉ वीडियो मैंने इसकी दिखाई है बाकी पासवर्ड डाल देता हूँ आप देखिएगा मत कभी आपको भी इसका पासवर्ड पता लग जाए तो दोस्तों अनलॉक हो चुका है फ़ोन अब दोस्तों इसके अंदर आपको वैसे बैटरी जो दी गई है वो मिलती है पाँच हज़ार एम की एक दिन का बैटरी बैकअप वैसे इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगा और ज़्यादा बैटर मिलेगा अगर आप इसको सिक्सटी हर्ट्स पर यूज़ करेंगे नाइन्टी हर्ट्स पर बैटरी और ज़्यादा यूज़ होगी थोड़ी सी एप्लीकेशन भी ओपन करके देखते हैं देखते हैं कितना टाइम लगता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको टाइम देखने को मिलता है जब मैं नॉर्मल एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ बाकी अभी फ़ोन री हुआ है तो दोस्तों दोबारा से भी एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे चेक करने के लिए क्या इतना ही टाइम लगता है या फिर और ज़्यादा फास्ट हो जाती है ओपन तो इतना टाइम लगता ही है दोस्तों इसको ओपन करने में एप्लीकेशनस को बाकी कंपेयर भी करेंगे इसका तो और ज़्यादा रिजल्ट पता लग जाएगा जल्दी मेन कैमरा इसके अंदर आपको 48 एट का मिलता है 48 मेगापिक्सल का दोस्तों कैमरे की जो परफॉर्मेंस है इसके अंदर वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी वैसे ज़्यादातर स्मार्टफोन्स मुझे 10000 के बजट में कैमरे को लेकर पसंद नहीं आते लेकिन इसके अंदर आपको कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है फ़ोटोज़ जो है काफ़ी अच्छे हैं एच डिटेक्शन जो है दोस्तों बैकग्राउंड ब्लर वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो दोस्तों वैसे ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस मुझे कैमरे की इसकी कीमत को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सही लगी अब दोस्तों ये सारी खूबिया कमी आपको मिलती है मोटोरोला के मोटो ई फोर्टी के अंदर दस हज़ार में टेन थाउजेंड में चली बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपके लिए स्मार्टफोन कैसा रहेगा कैसा नहीं क्या आपको इसको खरीदना चाहिए या फिर नहीं देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया भी मिलती हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी सी डाउन भी हैं तो मैटर सबसे पहले ये करता है कि आपको जो अपने लिए चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है वो इसमें सही है या फिर नहीं चलिए थोड़ी सी बात फेस टू फेस कर लेते हैं दोस्तों वैसे मुझे पर्सनली ये स्मार्टफोन काफी ज़्यादा अच्छा लगा मोटो का ई फोर्टी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा देखिए अगर आपको डिस्प्ले बढ़िया चाहिए तो आप इसको बेझिझक ले सकते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी आपको वैसे काफी सही दी गई है और ये चीज भी बहुत अच्छी है नाइन्टी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट है तो यूज करने में आपको काफी ज्यादा स्मूथ लगेगा ये और दोस्तों अगर आपको बैटरी बैकअप सही चाहिए तो ये खूबी भी काफी बढ़िया है इसके अंदर आप इसको खरीद सकते हैं इसी के साथ दोस्तों डिजाइन की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है बिल्ड क्वालिटी भी मुझे स्किन हैंड फील जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आप इसको ले सकते हैं और दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस भी सही है यूज़ एंडफेस भी बहुत ज़्यादा क्लीन है लगभग सारी चीज़ें इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया दी गई हैं बस जो इसके अंदर छोटी सी चीज़ें मुझे एवरेज लगी वो ये है कि तो चार्जर फास्ट नहीं है दूसरा फुल एच प्लस डिस्प्ले नहीं दी गई फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है मुझे थोड़ा सा इसका स्लो लगा ये इस चीज़ें इसके अंदर नॉर्मल हैं बाकी परफॉर्मेंस को लेकर दोस्तों प्रोसेसर तो इसके अंदर आपको काफ़ी बढ़िया ही दिया गया है बाकी हम टेस्ट भी कर लेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ कंपैरिजन करके वो ज़्यादा फास्ट है या फिर ये फास्ट है तो दोस्तों कमेंट आप मुझे जरूर कर दिएगा आपको इसका कंपैरिजन किसके साथ देखना है तो ये चीज़ कमेंट मुझे जरूर कर दिएगा अब दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मुझे वैसे ये स्मार्टफोन काफी ज़्यादा पसंद आया देखिए परफेक्ट तो कोई सब स्मार्टफोन नहीं होता सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होती ही हैं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा और अभी जो है मार्केट में प्राइस जो है स्मार्टफोन्स के काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं उसको देखा जाए तो दोस्तों फिर भी ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट हैं फीचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं खासतौर तो से प्रोसेसर अच्छा है कैमरा और डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है नाइन्टी हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ तो दोस्तों मुझे तो ये स्मार्टफोन काफ़ी पसंद आया आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको अच्छा लगा या फिर नहीं ज़रूर बताइएगा मुझे वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी कंपेरिजन की और जो नेक्स्ट वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचते रहें इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दिएगा ताकि वो भी देख लें इसकी वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय